कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का चुनाव जीत गई है। उसकी जीत की एक ही वजह है कि लोगों ने उसको पसंद किया और एंटी कैम्पेंसी इतनी ज़बरदस्त थी, क्योंकि लोग जब भी वहाँ के मंत्रियों के पास जाते थे तो वह उसका आंसर कुछ और देते थे, समस्या कोई और होती थी। राजनीति में हमेशा गंभीरता के साथ उन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए जो कि समस्याएं हैं, ना कि उन समस्याओं को एक समस्या बनाकर पेश किया जाए, उनका समाधान करके पेश करेंगे तो इसी तरह के नतीजे आपके सामने आएंगे। ये चुनाव का जो परिणाम है उससे कांग्रेस को एक संजीवनी मिलेगी, काम करने का तरीका बदलेगा, लीडरशिप बदलेगी, और जो निश्चित रूप से अपने आप को प्रस्थापित लीडर कहकर कांग्रेस में चल रहे थे उनको झटका लगेगा। क्योंकि 1977 में भी जब इंदिरा गांधी हार गई थी तो उन्होंने अपनी पूरी टीम बदल दी थी, और 1980 में जो टीम सामने आई थी वह टीम 1980 में जो टीम सामने आई थी वो टीम एकदम नई थी, नए फेसेस थे, उनका कोई ज़्यादा इतिहास भूगोल नहीं था। तो कांग्रेस आने वाले समय में एक चेंजिंग फेस पे होगी, इसका इम्पैक्ट का फ़ायदा वो दो जगह लेंगे, एक तो वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एनसीपी के साथ मिलके महाराष्ट्र में। उनको ये लगेगा कि आने वाले समय में अगर इस नैरेटिव को हम बनाए रखें, इस माहौल को कन्वर्ट कर लें, तो शायद लोकसभा के चुनाव में भी इसका फ़ायदा होगा। और उसका फ़ायदा के चलते नीतीश कुमार को एक फेस